देख रहे होंगे, ये स्टोरी होगी, वो होगी, आज हंसता मुस्कुराता चेहरा देख रहे होंगे, वो मेरा फन नहीं है, वो मेरे साथ जो फनकार बैठे हुए हैं उनका फन है। देखिए जी, फन से फनकार, ठीक है? तो फनकार भी वो पाकिस्तान के नामवर जिन्होंने, अच्छा ये हमारे लिए हमेशा फख्र की बात रही है कि ऐसे जो फनकार हैं ये पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते हैं दूसरे ममालिक में जाके, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेघा जी, तारक ताफ सर के पास चले गए क्योंकि वो जरूरी था उनके पास जाना, या ठीक है? अब भी चले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं अच्छा नहीं, आपके लेकिन आप दिल मेरे पास आए तो मैं यहाँ आने नहीं अच्छा, दूंगा ये मजे की बात सुन ले, जी। दिल पे लगा गई है आपकी तरफ, मैं दिल पे ले गई है बात सारी। अच्छा तो फिर जो है आप वो घुंघरू गिरा शिफॉन मैंने कहा, उसके बाद स्टेज जो है कितना अच्छा स्टेज पे आपने काम किया। अच्छा, मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज कोट करती जाऊं कि जिस वक्त मैंने स्टेज प्लेस ज्वाइन किया ना, उस वक्त स्टेज का वो बूम पीरियड नहीं था जो घुंघरू गिरा शरीफों के बाद उस पर आया, क्योंकि वो एक ट्रेंड सेटलर प्ले था कि जिसके बाद मेरा ख्याल है फिल्मों में जो लोग काम करते थे उनको ज्यादा इतनी पसीराई नहीं मिलती जितना स्टेज पे काम करने वाले लोग कहते थे कि ये लोग फिल्मों में आके काम करें। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा मेरी इंतहा मेरी इब्तदा बना दी मेरे रब ने, क्योंकि मैं मुझे कहने में कोई याद नहीं होती कि जो एक्सपेक्टेशन मैं फिल्म इंडस्ट्री पे लेकर गई थी ना वो मुझे वहां नहीं मिली, मुझे यहाँ मिली। तो इसलिए ये मेरे बड़े दिल के करीब है जिसका नाम स्टेज है। और मेघा का स्टेज से अच्छा मैंने एक, कहा पता नहीं को और दिल के करीब, अच्छा स्टेज स्टेज आप भी मेरे बहुत करीब है, और करीब हूँ दिल और के मेरा करीब हाथ नहीं भी हूँ 5 किलो का तो इसलिए ये करीब जो है ना, ये जो कुर्बत है ये मेरे भाई, स्टेज के मेरा 10 किलो साथ का है मतलब बच के रहना बच के चाहिए रहना चाहिए। तो जी, स्टेज के साथ इतनी दिली वाबस्तगी हो गई कि आज भी मैं उसको भुला नहीं सकी। तो वो जो बेचैनी थी मेरे अंदर, वो उसको बड़ा मेरे घर वालों ने भी नोटिस किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टेज की बात हो रही थी कि वो ऐसा एक निजाम बन गया और लोगों ने मेरे डांस को आमने सामने देखकर जो मुझे इज्जत दी और जो मेरे डांस के स्टेप्स मकबूल हुए, जो सिग्नेचर स्टेप बन गए यही मेरे, बात, यही बात। जो घुटनों पे राउंड लेने वाला वो स्टेप जो था, वो जो अच्छा अच्छा मैं पंजाबी आप में ही बोली जाते हो, तुसे गल वो ते तो सुन भी लो, चुप रहना गल ते सुन मैं लो, मानना ना गल ते गल सुन लो ना करनी जी। अच्छा लोग अक्सर कहते सर भंभीरी वाला ड्रामा, वो घूमते सर ना जी भंभीरी वाला ड्रामा और मैं जब स्टेज पे जाती थी ना तो लोग मुझे लिटरली इशारे कर रहे होते थे कि ऐसे ऐसे, स्टेप तो मैं फेमस हो कहती गया थी ना, सबर हौसला सबर, तो ये अल्लाह ताला की देन है। और फिर जब मैं वो स्टेप, एक वो था और एक था मेरा जंप, तारिक भाई हाँ, मैं वो ऐसे छे सेंट्री छे फुट से जंप लगाती थी, और एक दिन तो मैंने दुबई में भी देखा था। अच्छा अच्छा ये मुझे और खौफ ज्यादा करी, 6-6 फुट से। हाँ जी, क्योंकि हमने इकट्ठे परफॉर्म भी किया हुआ ना 2008 में दुबई में, इब्रात थे, तारिक भाई थे और उमर शरीफ साहब थे, बड़ा जबरदस्त शो था। तो ये नजारा मेरा देख चुके हो तो खैर देखे, आप मेहनत करते हैं और एब्रप्टली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है पब्लिक का, है तो फिर आपको मेहनत तो करनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कहते मेहनत कर हसद ना कर। तो देखे मेहनत अच्छा, करने अच्छा, से होता है। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम जब स्टेज शो देखा था वो आपका, मुझे मैंने पहला ड्रामा ये देखा, वाह 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 चले, और वो तो बड़ी सिर्फ जबरदस्त ये बात होगी। लोगों से सुना कि वो आप देखे वहां पर ड्रामा ऐसे, और जब देखा तो फिर बार बार देखा उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ना। अभी अभी बाहरी में भी लोग जो आप ऑटोग्राफ ले रहे थे तो कोई भी ऐसा फैन नहीं था बेगा जिसने ड्रामे का जिक्र किया, कि आपने ड्रामे बड़े अच्छे किए, कैसे छोड़ दिया, इतना इतनी इष्ट थी आपने तो, इतनी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की थी जो खुद बताई। नहीं इन्होंने बिल्कुल बात वही है ना कि हर चीज का एक वक्त होता है, और देखें आज भी मैं स्टेज के साथ ही जुड़ी हुई हूँ और मुझे ज्यादा फैमिली प्यार करती है, जो फैमिलीज हैं फैमिली में मैं बहुत मकबूल हूँ, और हम शो पे जाते हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ, कर लेते हैं फैमिलीज वाले, स्पेशली जो लेडीज है हमारी, उसके अंदर बेचैनी रहती है कि इनकी फैमिली में जो माहौल देखा फैमिली ने, देख के उन्होंने कहा इधर आ जाए सिंगिंग की तरफ। अच्छा मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि तारक ताफू साहब को मुझे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ही हमारी बातों में आ जाते हैं, ताकि मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े, वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं खुद, ये सबसे अच्छी बात है, चूंकि ये इन्हीं का शो है। अगर आज मेघा बैठी है तो वो तारिक भाई ने इस मेघा को, जैसे पहले मैंने कहा कि जन्म दिया है, तो मैं अच्छा पाकिस्तान भी ग्रेट है, मेरे साथ लोग भी ग्रेट हैं, और हमारा ग्रुप भी ग्रेट पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान मतलब मैंने और बेगा ने एक बैंड बनाया है, वैसे तो हमारे दो बैंड है, अच्छा। एक है इंटरनेशनल, एक
लॉन्च किया जब मेगा को हमने, तो हमने इंतखाब किया एक हिंदुस्तान का हमारा वरिंदर सिंह है, वो मेगा जी ने मुझे कॉल की तारिक भाई की अपने ये करना है उनकी सरदार है। मैं अच्छा खैर अपनी बड़ी मेहनत दिन रात एक नहीं दो नहीं हमने चक्का ही मार दिया और वो हिट भी हो गया और हमने नाम रखा सांझा पंजाब। फिर वो आपको पता हुकूमती सियासी काम फनकार कोई बॉर्डर हमने बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यार बांटा। देखें हमने हमेशा कोशिश की है फनकार के लिए बॉर्डर जिंदा रहे, मैडम नूरजहां जिंदा रहे, लता जी जिंदा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिंदा ही रहेंगे जब तक हम लोग हैं, क्योंकि फनकार एक फनकार को जिंदा ही रखता है। फिर उसके बाद मुख्तसर बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत बातें करती हैं और काटे तुझे भी नहीं उठोगे साहब। अच्छा तो उसके बाद जी हमने बात मजे की गल है ना डोगरे ते पढ़ियां लिखियां गल्ला कर रहे बात गल्ला कर रहे तो जी अच्छा कब आए अब सरदार मेरे इमेज में, क्योंकि मैंने दलेर मेहंदी जी का सबका काम किया हुआ था मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। फिर मेगा भी लॉन्च कर दी थी, मेगा भी पीछे ना रहे। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र क्योंकि हमारी फैमिली है एक बैकग्राउंड है, मैडम नूरजहां के लिए किया, मुसफ्फर अली खान के लिए किया, मैं कोई ऐसा फनकार नहीं है जिसके लिए हमने काम नहीं किया। अच्छा नसीबों को पकड़ा और फिर मैडम नसीबों ला 10,000 गाना गाया, फिर ये कहना आसान है 10,000 ये सारा क्रेडिट मेरे बाप को जाता है सर। तो फिर मैंने कोशिश की कि मेरे बाप का नाम खराब ना हो, कोई ये ना कहे कि मैंने पैसों के लिए मेगा के लिए काम किया, सबसे बड़ी बात है। अच्छा ये आप खूबसूरत सच्ची बात कर रहे हो। तो मैंने फिर सोचा अच्छा आज प्रोग्राम में भी कोई बनावटी बातें नहीं है, वैसे आर्टिस्टों के साथ जब जाएं बनावटी काफी बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल और बात ये इसमें, जाती इसमें है मेरा किरदार है कि आप लोगों का किरदार, देखते हैं किस किस का किरदार मशकूक है। अभी फिलहाल तो मशकूक नहीं है तीनों का। अच्छा मुख्तसर फिर इन शॉर्ट मैं आया मेगा तक, मेगा ने कहा कि भाईजान ये करना है वो करना है ना, इसने मुझे सोने दिया तो ना मैंने इसको चैलेंज दिया। अच्छा। ऐसे ही हुआ। फिर खुदा ने ये कब अफसाना हुआ ये बिल्कुल ये मेरे ख्याल है 2020 में लॉन्च हुए और 2020 में ये सुपरस्टार है एज ए सिंगर, बाय बर्थ है एज ए सिंगर की सुपरस्टार है। करंट हिट आपका रियल नाम भी यही है? नहीं रियल नाम मेरा शहनाज है, शहनाज कमर, शहनाज कमर। अच्छा पंच लाइन दी हमने के वो सरदार बॉर्डर पे है और ये कमाल इसको दुआ है, वाकई इसको दुआ है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, करतारपुर बॉर्डर बन रहा है और हमने बनाया कि वो कहता सरकार जी सानू खिंचे तोड़ा प्यार जी, हम पहले फेसबुक पे चल रहे थे सरदार जी बड़ा फेमस हुआ जी, 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 जी। तो फिर अपने फेसबुक पे चल रहा है तो मैं कह नहीं मेगा मजा नहीं आएगा, वो कह रहा है सरकार जी सानू खिंचे तोड़ा प्यार जी, मैं कहा बोलो सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार, बॉर्डर खुल ही गया ऐसे दिल से और फिर ये निकली कि पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं जी, उस वक्त पूरी दुनिया जो है लगा के नजरें बैठी हुई है, बड़ी ऑफर आ रही है फिल्म बनाने की हिंदुस्तान की। अच्छा तो फिर सिंगिंग का आगाज कर दिया फिर ऐसे तो नहीं मेरे नाज़रीन ना देखें सिंगिंग का आगाज तो फिर हो जाए थोड़ा सा वो पहला जो आगाज क्या देगी पूरा स्पेल दिखा नहीं सर जी फिर ऐसे नहीं फिर मेरे नाज़रीन जो है ना उनको थोड़ा सा जो है जो पहला गाना था आपका ठीक है लेकिन वो पहला चूंकि ड्यूट सॉन्ग था इसमें वरिंदर जी की भी लाइंस मैं गा रही हूँ और अपनी भी। मेनू की हो गया तेरे विच खो गया, आगे से मैं कहती हूँ इश्क दा है असल तेनू जो हो गया वे अखा विच फोटो तेरी छप के ही रह गई, डीपी कंपटीशन होया नंबर सारे ले गई, मेनू रोज तक नेदा हो गया पाबंद तू ऐसे लेते आ गया है मेनू भी पसंद तू सच्चे पाशा जय सच्ची मेरी ए यारी ए तेरे प्यार तो बारी मेरी सरदारी ए। आगे से मैं कहती हूँ सस्सी पुन्नू ही राजा साडा किरदार वे मैं सोनी सोने तू मेरा महिवाल वे सरकार जी सरुखचे तोड़ा प्यार जी सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार जी सरकार जी तुसी कर लो साडा पार जी सरदार जी लो कर ले बॉर्डर पार जी। इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मुझे जबरदस्त। अच्छा मुझे मेरा दिल ये चाह रहा था आपके ये सुन के ना तो मैं उठ के आप लोगों के साथ भंगड़ा डालना शुरू कर दूं, डरते भी नहीं गए ये लोग मुझे जो एंजॉय मैंने किया
एंजॉय करके मैं अल्फाज भी भूल गया हूँ। मेघा ने बड़ा अच्छा मेंशन किया कि वरिंदर ये मैं, ये वरिंदर, मतलब वो साथ से वो इसलिए कि इसने इंसाफ किया अपने। अच्छा फिर अच्छा वो देखें ये कहने को एक सॉन्ग है, कहते हैं ना कि मैसेज देना हो आर्टिस्ट ने तो वो ड्रामा हो, वो फिल्म हो, वो सॉन्ग हो, उसमें मैसेज होता है। देखिए कितना दोनों मालिक के लिए कितना अच्छा खूबसूरत पैगाम है। मुझे बिल्कुल ऐसे और इसका क्रेडिट हम वरिंदर जी को भी देंगे कि वो भी बेहतरीन इंसान है और वो भी चाहते हैं कि अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। आर्टिस्ट का मकसद सिर्फ मोहब्बतें बांटना है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब उधर से भी अच्छी बात आनी चाहिए, हमारी तरफ से तो अच्छी जा रही है, देखिए हमारी तरफ से तो जा रही है और जो हमारे सरदार भाई है ना वो भी चाहते हैं, लेकिन एक ही बंदा है वहाँ पे जो नहीं चाहता ये सब अमल बता था, अल्लाह उसको भी हिदायत दे। आमीन सुमा आमीन। लेकिन हम अपने तई तो कोशिश कर सकते हैं ना, वो हम लोगों ने की और हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू खड़े होंगे कि हम लोग